हम सभी को लगता है कि आने वाले समय में इसकी टकराव पृथ्वी से हो सकती है। 11 सितंबर 1999 को लीनियर प्रोजेक्ट के दौरान आर्केबो ऑब्जर्वेटरी की मदद से इस एस्टेरॉयड की पहली तस्वीर खींची गई थी, जिसमें ये पता लगा कि इसकी दिशा हमारी धरती की तरफ है और 2700 बार में से एक बार धरती से टकराने के चांस भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के कारण साइंटिस्टों के लिए इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी हो गया है। कार्बन से बने इस एस्टेरॉयड में कई तरह के चट्टानों के साथ बहुत से अनोखे मिनरल्स भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर के मिनरल्स भी मौजूद है, जिससे कि हमारा ब्रह्मांड किस तरह से बना था उसके बारे में भी हमें बहुत जानकारी मिलेगी। लेकिन ये एस्टेरॉयड हमारे लिए कितना खतरनाक है, आइए दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं। मान लो अगर धरती पर एक 30 मीटर के आकार का उल्कापिंड गिरता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि 30 मीटर के ही आकार का एक उल्कापिंड 1908 साइबेरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वायर मीटर के एरिया को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले से 250 गुना ज्यादा था। लेकिन ऐसे छोटे आकार के एस्टेरॉयड हमारे वायुमंडल में ही फ्रिक्शन के कारण खत्म हो जाते हैं। तो 30 मीटर के बदले अगर एस्टेरॉयड का आकार 100 मीटर जितना है तो उससे एक्सप्लोजन 47 मेगाटन TNT के बराबर जितना होगा और ये तबाही दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम सार बॉम्बा के बराबर होगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो जिस जगह ये 100 मीटर वाला एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ एक्सप्लोजन इतना भयानक होगा कि शायद ही वो जगह भविष्य में इंसानों के रहने के लायक रहेगी। तो अब तक दोस्तों हमने 30 मीटर और 100 मीटर एस्टेरॉयड से क्या हो सकता है ये पता चला है, लेकिन बेनो नाम का ये एस्टेरॉयड आखिर कितना बड़ा है? दरअसल ये एस्टेरॉयड 500 मीटर लंबी है और वजन 78 अरब किलोग्राम की जितनी है और जिससे होने वाला धमाका 800 मेगाटन TNT के बराबर होगा, जो कि द सार बॉम्बा से 160 गुना ज्यादा खतरनाक है। और ये धमाका सिर्फ किसी शहर को ही नहीं बल्कि किसी भी देश या कॉन्टिनेंट को खत्म करने की ताकत रखता है। हमारी खुशकिस्मती है कि धरती पर 71% पानी है, लेकिन अगर इस पानी में भी ये एस्टेरॉयड गिरता है तब भी महासुनामी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब एस्टेरॉयड के साथ हमारी धरती से होने वाली टक्कर की कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं तो वो देख लेते हैं। तो ये एस्टेरॉयड 2060 में धरती से लगभग 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, फिर उसके बाद 2135 में पृथ्वी से 3,00,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। लेकिन खुशकिस्मती से इन दोनों ही बार इसका टकराव पृथ्वी से नहीं होगा, लेकिन रिसर्चर्स के कंप्यूटर सिमुलेशन के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 2175 और 2196 के बीच के समय में एक नया रूप ले सकता है, जिस वक्त ये धरती के बहुत ही करीब से गुजरेगा और इस समय धरती के साथ इसके टकराव के 2700 बार में से एक चांस रहेगा। जिस तरह एवेंजर्स में थैनोस को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1,40,00,000 पॉसिबिलिटीज देखी थी और उसमें से सिर्फ एक में ही एवेंजर्स थैनोस को हरा पाए थे, तो कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटीज इस बिनो के साथ धरती से टकराव की है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है, जब इसकी टक्कर पृथ्वी से होगी तो आज के समय का कोई भी इंसान इस घटना को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसी घटना 100 सालों से पहले होने नहीं वाली। तो बिनो के बारे में इतनी जानकारी साइंटिस्टों को मिलने की वजह से इससे जुड़ी स्पेस मिशन में छुपी है, जो September 18, 2016 को ओसिरिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के साथ शुरू हुआ। इस स्पेस क्राफ्ट का मेन पर्पज एस्टेरॉयड बिनो में लैंड करके उसके सैंपल्स को इकट्ठा करना और फिर सैंपल्स के साथ धरती पर वापस आना था। और फाइनली September 24, 2023 ओसिरिस रेक्स मिशन के जरिए नासा ने इतिहास का पहला एस्टेरॉयड सैंपल धरती पर लैंड करवाया, जो इसी एस्टेरॉयड बिनो से लिया गया था। ओसिरिस ने बिनो के बहुत ही करीब से हमें ये हाई क्वालिटी इमेजेस भेजे थे। इस मिशन को पूरा करने में $1.1 बिलियन का खर्चा आया था। अब इतना सारा पैसा खर्च करने के पीछे साइंटिस्टों के पास स्ट्रॉन्ग रीजंस है। पहला, बिनो एस्टेरॉयड के सैंपल से हमें हमारे सूर्यमंडल के फॉर्मेशन के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये एस्टेरॉयड 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, जिससे ब्रह्मांड के बहुत से अनसुलझे रहस्यों का खुलासा होगा। और इस पर रिसर्च करने का दूसरा रीजन, अगर भविष्य में इसका टक्कर धरती से हुआ तो किस तरह से हम इस एस्टेरॉयड को धरती के बाहर ही खत्म कर पाएंगे, साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में करोड़ों लोगों की जान बचेगी। तो अगर भविष्य में बिनो की टक्कर धरती से हुई तो क्या हम तब तक टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो जाएंगे कि इससे धरती के बाहर ही खत्म कर पाएंगे? क्या तब भी इससे बच पाना नामुमकिन हो जाएगा? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज में हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।